नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से MTS यानी कि मल्टी टास्किंग जो वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, फॉर्म आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन आपको कैसे करना है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। क्योंकि बाद में होता क्या है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर बड़ा दिक्कत होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो लोग भी MTS में फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आइए पूरी पूरी डिटेल के साथ हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या कैसा प्रोसेस रहता है, क्या करना होता है, उन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भर्ती के नोटिफिकेशन आउट होते ही हम यहां पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं, और सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और आगे भी सभी सब्जेक्ट के वीडियो डेली के डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए, एजुकेशन वीडियो को देखने के लिए सभी सब्जेक्ट के, उसके लिए हमारे YouTube चैनल RPM ब्रिज को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुँच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो MTS की वैकेंसी आपकी आ चुकी है, चलिए थोड़ा नोटिस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 22 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, और इनकी जो लास्ट डेट रखी गई है प्यारे साथियों, वो आपकी रखी गई है 30 अप्रैल। तो 22 मार्च से आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल रखी गई है। और उसके बाद जो आपकी लास्ट यानी कि जो आपकी फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो आपकी 2 मई रखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि 2 मई को इसकी लास्ट फीस की डेट रखी गई है। लास्ट डेट चालान से अगर आप पेमेंट करते हैं तो चालान की लास्ट डेट है प्यारे साथियों 3, और अगर बैंक से आप बनवाते हैं चालान तो उसकी डेट रखी गई है 4 मई। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो आपका लगभग जुलाई में होगा, ये आपको दिया गया है। कि इसमें देखो साथियों, 2 पेपर आपके होंगे, 2 पेपर में जो पहला पेपर है वो आपका जुलाई में होगा, और सेकंड वाले की अभी डेट फिक्स नहीं की है, वो भी जल्दी आपको डेट बता दी जाएगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि आपका एग्ज़ाम जो है पेपर फर्स्ट जो है वो आपका जुलाई में होना है। चलिए पेपर सेकेंड में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव आपको एक ऐसे लिखना होता है, तो वो उसकी डेट अभी नहीं आई है, तो वो भी डेट जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अभी वो डेट नोटिफाइड नहीं की गई है। पेपर फर्स्ट जो है वो आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो आपका जुलाई में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करें तो चलिए आइए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। SC ST कैंडिडेट की बात करें तो इसमें एज लिमिट जो आपकी रखी गई है वो प्यारे साथियों 18 से 25 रखी गई है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, एज जो है वो आपकी 18 से 25 रखी गई है, और आयु की जो गणना होगी वो 1/1/2000 यानी कि नहीं, आयु की जो गणना है वो आपकी 18 से 25 होनी चाहिए। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हवलदार की भी पोस्ट को रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SC ST के लिए 5 ईयर की छूट दी गई है, OBC के लिए 3 ईयर की छूट दी गई है, PWD अनरिजर्व के लिए आपको 10 साल की छूट दी गई है, PWD OBC के लिए आपकी 13 साल की छूट है, और PWD SC ST के लिए आपकी 15 साल की छूट दी गई है। और अगर यहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए प्यारे साथियों 3 वर्ष की छूट जो है वो आपको दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस से रिलेटेड है तो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहां पर दी गई हैं, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इससे अगली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो चलिए सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है। तो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे, और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अंक के होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि गणित जो आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, अर्थमेटिक मैथ जो आएगी वो आपके 25 क्वेश्चन 25 अंक के पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस वो भी आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चन होंगे, वो 100 मार्क्स का होगा आपका फर्स्ट पेपर, और टोटल जो ड्यूरेशन है वो आपकी दी गई है 90 मिनट, तो 90 मिनट दी गई है। चलिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया गया है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली इंपॉर्टेंट पेपर सेकंड के बारे में जान लेते हैं। पेपर सेकंड जो आपका होगा
वहाँ पर 25-25 करके आपको जो है 50 मार्क्स का होगा और 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो वहाँ पर एक आपको शॉर्ट ऐसे जो है वो लिखना होगा, इंग्लिश या फिर एनी लैंग्वेज में आपको ऐसे राइट करना होगा। 25-25 अंक का यानी कि 50 अंक का होगा पेपर। सेकंड डिस्क्रिप्टिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी हम फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि पीईटी के बारे में जान लेते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या करना है। वॉकिंग करनी है, 1600 मीटर वॉक करना है आपको 15 मिनट में, और मेल को सॉरी वॉकिंग करनी है मेल के लिए आपकी 1600 मीटर 15 मिनट में रखी गई है, और फीमेल की जो है वो 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉक करनी है। साइकिलिंग की बात करें तो साइकिलिंग में मेल कैंडिडेट के लिए 8 किलोमीटर 30 मिनट में कंप्लीट करना है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट में कंप्लीट करना है। ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें हाइट के लिए तो हाइट जो है वो हाइट जो मेल की हाइट है वो आपकी 157.5 सेंटीमीटर रखी गई है, और मेल में अगर चेस्ट की बात करें तो 76 आपका 20 पॉइंट होना चाहिए चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ यानी कि 76 से 81 आपका चेस्ट सीना होना चाहिए। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, और अगर वेट की बात करें तो फीमेल का वेट मिनिमम वेट होना चाहिए 48 किलोग्राम का वेट होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी प्यारे साथियों आप सभी के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर थी तो वो हमने आपको प्रोवाइड कराई। ऐसे ही सभी नई भर्ती के नोटिफिकेशन के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल RPM ब्रिज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में देखने के लिए आप सभी लोग हमारे RPM ब्रिज YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुँच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। चलिए हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद।